और डिस्टेंस उसने कवर किया विच इज़ 20 किलोमीटर पर आर मोर देन द फर्स्ट स्पीड जो कि 20 किलोमीटर जो स्पीड पहले 150 किलोमीटर कवर करने में लगी उससे ज़्यादा थी 200 किलोमीटर जब उसने कवर किया तो उस लास्ट स्पीड से 20 किलोमीटर्स पर आर ज़्यादा थी स्पीड इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन फाइव आवर्स अगर वो दोनों के डिस्टेंस को कवर कर रहा है फाइव आवर्स में फाइन द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक तो हमें फर्स्ट स्पीड निकालनी है ट्रक की कि उसने वन फिफ्टी किलोमीटर के लिए कितनी स्पीड पे चलाया तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं हमें स्पीड नहीं पता है एवरेज स्पीड क्या थी उसकी तो हम उसको मान लेते हैं लेट द एवरेज स्पीड स्पीड ऑफ ट्रक इज इज एक्स किलोमीटर पर आर राइट अब आगे हमें पता है डिस्टेंस या स्पीड का फॉर्मूला या डिस्टेंस का फॉर्मूला या टाइम का फॉर्मूला हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं तो अगर मैं टाइम कहूँ कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है राइट right? अब क्या कह रहा है वो कि उसने 150 किलोमीटर चलाई एक्स स्पीड पे, 200 किलोमीटर चलाई एक्स स्प्ल जो उसकी एवरेज स्पीड थी उससे 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा में और इन दोनों इन दोनों को टोटल मिला के उसे लगा टोटल मीन्स दोनों की एड करके लगा उसको फाइव आरस तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन बन गई फिर से समझा देती हूँ 150 चलाई उसने एक्स स्पीड पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200 चलाई जो लास्ट स्पीड थी उसकी 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से तेज डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेकिन दोनों का डिस्टेंस उसने कवर किया फाइव आवर्स में तो टाइम इक्वल्स टू ही था तो ये आ गई अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे अब नीचे हमारा क्या आ गया एल जो कि x एन टू एक्स प्लस टू एन टी होगा वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन्ट थ्री होगा तो वन टू और थ्री को हम मल्टीप्लाई कर लेते थे ऐसे ही किया है अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आ गया 150 फिफ्टी इंटू एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस टू हंड्रेड इंटू एक्स इक्वल्स टू फाइव अब ये इधर चला जाएगा तो ये और ऊपर के ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो ये आ गया वन फिफ्टी एक्स प्लस दो जीरो एज इट इज और फिफ्टीन टूज थर्टी प्लस टू हंड्रेड एक्स इक्वल्स टू फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स इन ब्रैकेट में एक्स प्लस ट्वेंटी ये x की मल्टीप्लाई फाइव में हो गई तो फाइव एक्स आ गया और ये उधर चला गया ब्रैकेट एज इट इज़ अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और x की वैल्यूज़ एड कर लेंगे तो ये थ्री थाउजेंड एज एज इट इज़ आ गया और ये आ गया थ्री फिफ्टी एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव टू जो टेन और एक जीरो एक्स अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ तो ये आ गया जीरो इक्वल्स टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड एक्स माइनस थ्री फिफ्टी माइनस का हो गया थ्री फिफ्टी एक्स और थ्री थाउजेंड भी माइनस का हो गया तो ये कितना आ गया यह आ गया फाइव एक्स और प्लस का हंड्रेड और माइनस का थ्री फिफ्टी माइनस का टू फिफ्टी हो गया तो माइनस का टू फिफ्टी एक्स माइनस का थ्री थाउजेंड इक्वल्स टू ज़ीरो अब हमें पता चल रहा है कि पूरी इक्वेशन फाइव से डिवाइड हो रही है तो हमने इसे डिवाइड बाय फाइव कर दिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टी एक्स माइनस सिक्स हंड्रेड इक्वल्स टू जीरो तो आप देखिए सिक्स हंड्रेड की मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर में हुई तो ये आया माइनस का सिक्स हंड्रेड एक्स स्क्वायर इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे तो सिक्स हंड्रेड के फैक्टर्स बनाएंगे तो एलसीएम निकाला टू से गया टू थ्री जिक्स जीरो जीरो अगेन टू से टू वन फाइव जीरो अगेन टू से सेवेंटी फाइव थ्री से गया थ्री टू जो सिक्स एंड थ्री फाइव ज़ फिफ्टीन फाइव फाइव ज़ा अब देखते हैं इसके ऐसे फैक्टर्स की प्लस माइनस करके माइनस फिफ्टी आए तो देखते हैं कैसे करेंगे नाउ, थ्री टू सिक्स एंड टू टू ज़ फोर फोर थ्री ज़र ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव जिक्सटी एंड फाइव टू ज़र टेन तो सिक्सटी एंड टेन हमारा हो गया और अपोजिट साइन लगेंगे तो ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का क्योंकि हमारा मिडिल टर्म माइनस का था तो इसको लिख सकते हैं माइनस सिक्सटी एक्स प्लस टेन एक्स माइनस सिक्स हंड्रेड इक्वल्स टू ज़ीरो एक्स कॉमन आया तो आ गया एक्स माइनस सिक्सटी प्लस टेन कॉमन आया तो आ गया एक्स माइनस सिक्सटी इक्वल्स टू ज़ीरो अब x माइनस सिक्सटी कॉमन निकला तो क्या बच गया x प्लस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो अब x की वैल्यूज निकाल लेंगे तो x माइनस सिक्सटी इक्वल्स टू ज़ीरो रखा तो x की वैल्यू आ गई सिक्सटी और x प्लस टेन को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस टेन तो स्पीड माइनस में नहीं होती तो एवरेज स्पीड कितनी आई निकल के एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 60 km per hour. Answer. Let's do next question now. Next question is. Question number 44 is While boarding an aeroplane, a passenger got hurt. Aeroplane pakati samek passenger hurt ho gaya. The pilot showing promptness and concern made arrangement to hospitalize the injured. And so the plane started late by 30 minutes. Pilot ne कंसर्न दिखाते हुए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराया जिसकी वजह से प्लेन 30 मिनट्स लेट हो गया टू रीच द डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन रीच करने के लिए 15 किलोमीटर अवे इन टाइम द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर पायलट ने 100 किलोमीटर पर आर स्पीड इंक्रीज़ कर दी उसको 1500 किलोमीटर अवे जो डेस्टिनेशन थी उसको रीच करने के लिए उसने 100 किलोमीटर स्पीड इंक्रीज कर दी फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी है प्लेन की डू यू एप्रिशिएट द वैल्यूज शोन बाय द पायलट नेमली प्रॉम्पनेस इन प्रोवाइडिंग हेल्प टू द इंजर्ड एंड हिज एफर्ट टू रीच इन टाइम क्या इस चीज़ को आप अप्रिशिएट करेंगे पायलट के कि उसने एक इंजर्ड पर्सन की हेल्प करी और एफर्ट दिखाया कि वो टाइम पे रीच कर सके तो चलिए करते हैं नंबर फोर्टी फोर हमें स्पीड नहीं पता थी तो लेट द एवरेज स्पीड भी एक्स किलोमीटर पर आर लेट द एवरेज स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आर है राइट right? और हमें डिस्टेंस कितना कवर करना था डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर राइट अब हमारा डिस्टेंस का या टाइम दे रखा है हमें थर्टी मिनट्स कह रहा था कुछ देखिए उसने कहा कि टू हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड एंड सो द प्लेन स्टार्टेड लेट बाय थर्टी मिनट्स लेट हो गया थर्टी मिनट्स से तो हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होगा टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हमें कितने किलोमीटर जाना था 1500 किलोमीटर एक तो एक्स स्पीड ली थी और दूसरा था 1500 किलोमीटर जब उसने स्पीड इंक्रीज कर दी थी 100 किलोमीटर पर आवर से तो उसमें उसको 30 मिनट्स लेट हो गया पहुंचने के लिए अब 30 अपॉन 60 क्यों आया मिनट्स को आज में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दिया अब जो कि यूजुअल टाइम पे पहुंचना था यूजुअल स्पीड से लेकिन उसने 100 की स्पीड बढ़ा दी तब भी वो लेट हो गया तो हमने क्या किया उसको माइनस कर दिया जो एक्चुअल टाइम था उससे 30 मिनट्स लेट कब पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे जो एक्चुअल टाइम था उसमें से हम जितने देर से पहुंचा है उतना लेस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा टाइम का तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया अब इसको सॉल्व करते हैं हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है x इंटू एक्स प्लस हंड्रेड एल आ गया अब 1500 की मल्टीप्लीकेशन x प्लस हंड्रेड में और माइनस फिफ्टीन हंड्रेड इंटू एक्स की मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू यहाँ पे आप चाहें तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दें थ्री वन जो थ्री थ्री टू जिक्स तो ये आ गया वन अपॉन टू अब से ओपन कर लेते हैं तो ये आ गया फिफ्टीन हंड्रेड एक्स प्लस फिफ्टीन हंड्रेड और आगे दो जीरोस माइनस फिफ्टीन हंड्रेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड एक्स तो ये देखिए फिफ्टीन हंड्रेड एक्स एक प्लस का था एक माइनस का था कैंसिल हो गया इक्वल टू वन अपॉन टू तो ये आ गया वन फाइव फोर जीरोज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड एक्स एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया वन फाइव फोर ज़ीरोज़ इन टू टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड एक्स क्योंकि वन में मल्टीप्लीकेशन हो रही है इसलिए ये एज इट इज़ लिख दिया तो ये आ गया हमारा थर्टी और आगे फोर जीरोस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड एक्स अब ये थ्री लैक्स उधर चला गया तो ये आ गया एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड एक्स माइनस का थ्री लैक्स थ्री लैक्स की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर में हुई तो ये आ गया माइनस का थ्री लैक एक्स स्क्वायर अब इसकी ऐसे दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके हंड्रेड एक्स आए तो कैसे करेंगे थ्री लैक्स ,00 को टेन से डिवाइड किया तो ये आ गया थ्री इंटू थर्टी थाउजेंड फिर से टेन से डिवाइड किया तो ये आ गया थ्री थाउजेंड फिर से टेन से डिवाइड किया तो ये आ गया थ्री हंड्रेड और फिर से टेन से डिवाइड किया तो यह आ गया थर्टी थ्री से डिवाइड किया तो टेन टू से डिवाइड किया तो फाइव आप देखते हैं क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके हमें प्लस माइनस करके हंड्रेड लाना है तो टेन इंटू टेन इज हंड्रेड हंड्रेड इंटू थ्री इज थ्री हंड्रेड और हंड्रेड एंड टेन दैट इज वन थाउजेंड वन थाउजेंड में से थ्री हंड्रेड जाएंगे तो सेवन हंड्रेड बचा ये पॉसिबल नहीं है दूसरा देखते हैं हंड्रेड इंटू हंड टेन इंटू टेन इज हंड्रेड हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड एक्स तो प्लस का बड़ा वाला और माइनस का छोटा वाला क्योंकि आपस में सब हो रहे हैं तो यह लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स हंड्रेड एक्स माइनस फाइव हंड्रेड एक्स माइनस थ्री लैख इक्वल्स टू जीरो तो ये कितना आ गया x कॉमन आया x प्लस सिक्स हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड कॉमन आया तो ये आ गया x प्लस सिक्स हंड्रेड इक्वल्स टू जीरो क्योंकि माइनस जब कॉमन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है तो x प्लस सिक्स हंड्रेड कॉमन आया तो कितना बज गया x माइनस फाइव हंड्रेड इक्वल्स टू जीरो राइट तो इसको नेक्स्ट पेज पे एज इट इज लिख लेते हैं या आ गया एक्स प्लस सिक्स हंड्रेड माइ एक्स माइनस फाइव हंड्रेड इक्वल्स टू ज़ीरो एक्स की वैल्यू निकालते हैं एक्स प्लस सिक्स हंड्रेड इक्वल्स टू ज़ीरो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स हंड्रेड और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो एक्स माइनस को फाइव हंड्रेड की इक्वल रखा ज़ीरो के और तो एक्स की वैल्यू आ गई फाइव हंड्रेड तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड किलोमीटर पर आर आ गई राइट right? अब आगे ये पूछ रहा है कि पायलट ने क्या ऐसा करके सही किया यस ऑफ कोर्स उसने उस पेशेंट की लाइफ बचा के अच्छा किया Do you appreciate? Yes, we appreciate the values of the pilot. Answer.